नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि दीपावली का महापर्व पूरे भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन इस बार बहुत बड़ा असमंजस कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर दीपावली का महापर्व 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस समय हम जम्मू के छनी हिम्मत पंच मंदिर में मौजूद है और हमारे साथ पंडित जी भी हैं। आज इनसे जानेंगे कि आखिर कब दीपावली का महापर्व पूरे भारत वर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। पंडित जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया जी बच्ची साहब, आपका भी स्वागत है और सबको जय श्री राम मेरी तरफ से। नीला बुज श्याम मलिको मिलांगम सीता समारोपित्वा पान महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथ नमः। सभी राम भक्तों को मेरा जय श्री राम। ये सही बात बोली कि इस बार बहुत बड़ा संशय चल रहा है और हजारों की तादाद में लोगों के फोन आ रहे हैं कि 31 अक्टूबर को दीपावली है या 1 नवंबर को है, और अलग अलग जगहों से बड़े बड़े यहाँ पीठ हैं या बड़े बड़े मंदिर हैं, उसमें से भी न्यूज पे या प्रचलित हो रहा है, कोई बोलता है 31 को है, कोई बोलता है 1 को है, मगर शास्त्रोक्त विधि अनुसार जो है वो हम हमेशा से चरती तिथि का मानते हैं, और इस बार जो है वो 31 को अमावस्या जो है शाम को 4:30 बजे जो है वो प्रारंभ हो रही है, और 1 नवंबर को सुबह सूर्य उदय के वक्त भी है और शाम को अस्त के वक्त भी है। तो इसलिए हम जो दीपावली का पर्व है वो 1 तारीख को ही मना रहे हैं और सही शास्त्रोक्त विधि विधान और उसके अनुसार हमें 1 नवंबर को ही मनानी चाहिए। तो पंडित जी, एक ना सवाल ये भी लोग इस समय काफी पूछ रहे थे कि लोगों के दिलों में ये तो बात तो है ये कि 2 दीपावली मनाई जाती है, एक छोटी एक बड़ी, और लोगों का ये कहना है कि हो सके कि 31 अक्टूबर को हम छोटी दीपावली मना लें। हाँ बिल्कुल, वो बना सकते हैं, छोटी दीपावली बना सकते हैं, और उसमें जो भी लक्ष्मी के लिए रंगोली आदि बनाई जाती है या दीप आदि जलाए जाते हैं वो 31 शाम को भी किया जा सकता है, और विशेषता जो लक्ष्मी का पूजन है या दीपावली का पर्व है वो मेरे शास्त्रोक्त के अनुसार कहना है कि वो 1 तारीख को ही मनाया जाएगा। और दक्षिण भारत में ज्यादातर प्रचलित आ रहा है कि 31 को बना रहे हैं, 31 को बना रहे हैं, मगर हम जो है जम्मू वाले हैं या जम्मू कश्मीर वाले हैं वो चढ़ती का ही हमेशा मानते आए हैं, और इस बार भी मैं सबसे यही आराधना है, मेरी अनुरोध यही है कि हम 1 को ही बनाएंगे। पंडित जी, लक्ष्मी पूजन के लिए आपसे जानेंगे कि 1 अक्टूबर को पूरे भारत वर्ष में दीपावली का महापर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, ये इस बात पर आपने पूरा बात बता दी है, लेकिन हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि लक्ष्मी पूजन 1 अक्टूबर को कौन सा सही समय है करने का। देखिए, पंचांग के अनुसार जो है वो सारा दिन ही इस बार 1 तारीख को शुभ माना गया है, और विशेषता जो घरों में या दुकानदार आदि बड़े जो पहमानने वाले लोग हैं, कार फैक्ट्रीज वाले हैं, वो उनमें पूरा दिन ही लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। विशेषता जो शाम को अपने घर पे जो लोग पूजन आदि करते हैं लक्ष्मी का, वो शाम के वक्त जो लक्ष्मी जो है अपने वाहन पे निकलती है और सब घरों में जिनों में रंगोलियां बनी होती हैं, दीप आदि जल रहे होते हैं, घरों की बड़े सारे फूल आदि लगा के उनको सजाया जाता है, तो वो शाम को 5 से लेके 8:30-9 बजे के बीच जो मुहूर्त सारा है वो घर में बड़ा अच्छा शुभ माना गया है पूजन करने में, पूजन करने के लिए, और लक्ष्मी की आराधना या उनके नाम का उच्चारण करना या मंत्रों की कोई सिद्धि आदि करने के लिए या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो पूजन किया जाता है, क्योंकि ये ऐसा आज समय है कलयुग का जो लक्ष्मी के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता, तो विशेषता हर प्राणी को आज लक्ष्मी की आवश्यकता है, तो इसलिए शाम 5:30-5 बजे से लेकर के आप 9:30 बजे तक आप विशेषता अपने घर में पूजन कर सकते हैं। पंडित जी, थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा कि किस तरह से लक्ष्मी पूजन इस वक्त करें। लक्ष्मी, गणेश लक्ष्मी के अपने घर में आप प्रतिमा रखें, मैक्सिमम घरों में देखे घर जो है वो गणेश लक्ष्मी के बिना नहीं चलता है, तो घरों में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति होती ही है, उनको दूध दही शहद घी शक्कर पंचामृत से आप स्नान करवाएं, और स्नान कराने के उपरांत उनको मिष्ठान और फल इत्यादि या पान का पत्ता हो गया वो, या किसी ब्राह्मण द्वारा घर में आकर के पूजा करवा सकते हैं, यदि ब्राह्मण की व्यवस्था ना भी हो तो खुद ही पंचामृत से गणेश लक्ष्मी को स्नान कराने के उपरांत नवेद तांबुल फल दक्षिणा आदि सहित लक्ष्मी को करके और आरती आदि लक्ष्मी की धूप दीप जला करके कर दें, और यही लक्ष्मी को पूजन करने की विधि है। विशेष पंडित जी, क्योंकि इसी हफ्ते शुक्रवार को दीपावली का महापर्व जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो कौन सी ऐसी बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शुक्रवार को दीपावली का महापर्व 1 नवंबर को, तो कौन सी ऐसी विशेष बात का ध्यान रखें ताकि आपके माध्यम से तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो जान सके और समझ सके। देखिए, यो ये है विशेषता, इसमें ध्यान यही है कि सारा ये खुशियों का त्योहार आता है
और इसमें खुशियां बांटनी चाहिए, सबके साथ हंस खेल के इस त्योहार को बनाना चाहिए। और विशेषता यही है कि जैसे हर बार आप दीपावली का ये त्योहार बनाते हैं वैसे ही बनाएं। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी। हम आपको बता दें कि जम्मू छन्नी हिम्मत के पंच मंदिर में हम इस समय मौजूद हैं। काफी सारे लोगों में असमंजस का कंफ्यूजन था कि दीपावली का महापर्व कब मनाया जाएगा, तो पंडित जी ने यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया है कि दीपावली का महापर्व जो है वो पूरे भारतवर्ष में और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में 1 नवम्बर को मनाया जाएगा। देसी खबर के साथ इजाजत, आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।